इस महीने में सावन राठौर फ्रॉम कोटा। अभी तक हमने 5.3 के 3 क्वेश्चन कर लिए थे, आज हम क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 636 यानी 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी 9, 17, 25 के कितने पद लेने चाहिए। हमें एन पूछा है 636, ये जो है SN दिया हुआ है हमें, और एपी दी हुई है 9, 17, 25 जो भी हैं कि कितने पद लेने चाहिए, हमें एन फाइंड करना है, राइट। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें ए दिया हुआ है 9, डी निकाल सकते हैं हम, ये A1 होगा, ये A2 होगा, तो A2 माइनस A1 से हम निकाल सकते हैं 17 माइनस 9 इज इक्वल टू 8, राइट। जब हमें A मिल गया, D मिल गया, तो हम N निकाल सकते हैं, SN दिया हुआ है ना, तो SN इज इक्वल टू N बाई 2 ब्रैकेट में 2A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, जो कि हमारा फॉर्मूला होता है, उसमें है SN की वैल्यू में दी हुई है, N हमें फाइंड करना है, 2A A की वैल्यू हमारे पास में है, N हमें फाइंड करना है, एज इट इज लिखेंगे, D की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 8, राइट। अब इसको फैक्टर को सॉल्व करते हैं, 2 को मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना हो जाएगा 12, 16, 7, 12, 72 N 18 प्लस 18 माइनस के 8 N 18 में से माइनस 8 होंगे तो कितने बच जाएंगे 10 प्लस के 18 12, 72 देखना, ब्रैकेट खोल देता हूँ, 10N प्लस के 8N स्क्वायर 12, 72 इसमें से 2 कॉमन ले रहा हूँ 5N प्लस के 4N स्क्वायर 12, 72 ये 2 किस में आएगा डिवाइड में, तो यहीं से कट कर देता हूँ 636 वही फैक्टर आ गया हमारे पास में। अब देखना, मैं इसको सही पद में चला जमा रहा हूँ, ये 0 कर रहा हूँ, उधर लेके जा रहा हूँ 4N स्क्वायर प्लस के 5N माइनस के 636, राइट। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या बन गया हमारे पास, द्विघाती समीकरण, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बन गई द्विघाती समीकरण। तो हम क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व कर देंगे फैक्टर वाले मेथड से, क्या करोगे गुणनखंड कीजिए, तो गुणनखंड कैसे करते हैं, इन दोनों का तो मल्टीप्लाई, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 636 मल्टीप्लाई कर दो, 6 24 के 4 असल के 2, 12 और 2 14 के 4 असल का 1, 24 और 1 25 44 है। इसका फैक्टर ऐसे करो कि प्लस माइनस करने पर क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए, तो हम क्या कर देते हैं एलसीएम लेके देख लेते हैं, 2 1 बार 2 बार 7 बार 2 बार, फिर 2 से 6 36 बार, फिर 2 से 3 1 8 बार, 2 से 1 5 9 टाइम, 3 से 5 टाइम 3 टाइम एंड 83। देखना 4 8 16 48 क्या फैक्टर हो रहा है क्या 48 और 53 में से, जब 53 में से 48 जाएंगे तो 5 आएगा, तो हम क्या कर देते हैं, इसको प्लस का कर देते हैं, इसको माइनस का कर देते हैं। देखना 0 इज इक्वल टू ये फैक्टर हो गए, तो 4n स्क्वायर प्लस का लेके आना है ना, इसको तो मैं ब्रैकेट में बंद कर देता हूँ ताकि हमें पता रहे, ये तो हमने फैक्टर निकालने के लिए यूज में लिया, 4n प्लस के निकालना है, तो प्लस के क्या ले लेंगे 53n माइनस के 48n माइनस के 636 क्या करेंगे आप 0 4n क्या कॉमन आ रहा है यहाँ से, n कॉमन आ रहा है हमारा, क्या बचेगा 4n प्लस के 53, यहाँ से हमारा क्या कॉमन आ रहा है माइनस 2l कॉमन लेते हैं 4n माइनस के, जब इससे इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा 53, सॉरी माइनस कॉमन लिया, माइनस माइनस ये प्लस हो गया, माइनस माइनस ये भी क्या हो जाएगा प्लस, फैक्टर 0 के बराबर है, तो क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास 4n प्लस 53, क्या फैक्टर बच रहा है n माइनस 2l,
राइट, जीरो। वन टाइम पर क्या करते हैं, एफ माइन फोर एन प्लस 53 को जीरो के बराबर कर देते हैं, तो 4n इज इक्वल टू माइनस के 53, तो n इज इक्वल टू माइनस के 53 डिवाइड बाय 4 माइनस के, राइट। इसके लिए देखना, ये तो आ गया n माइनस 12 इज इक्वल टू जीरो, तो n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 12। हमें n ही फाइंड करना था, n की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास में 12, और एक क्या आ गई वैल्यू, n इज इक्वल टू माइनस के 53 बाय 4। अब हमें ये पता है ये एपे बढ़ते हुए क्रम में जा रही है, तो जो भी एन की वैल्यू आएगी माइनस में तो आ ही नहीं सकती, तो ये तो हमारा क्या होगा, नॉट होगा, ठीक है, नेगेटिव में तो हो ही नहीं सकता, तो एन की वैल्यू हमें कितना रखना पड़ेगा, 12, जब जाके उसका फैक्टर का एडिशन कितना होगा, 636। इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट कर लिया, आया होगा इजीली समझ में। हमने क्या किया, सबसे पहले हमने ए की वैल्यू डी की वैल्यू एपी से निकाल ली, SN इज इक्वल टू हमें दिया हुआ था, एन पूछा था, तो हमने क्या करा, SN इज इक्वल टू एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी का फॉर्मूला लगाया, और जिसकी वैल्यू हमारे को दी हुई थी उनकी वैल्यू रख दी, और जब उसको सोल्व करते गए तो हमारे क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी द्विघाती समीकरण बनने के बाद में हमने उसको क्या कर दिया, फैक्टर करके, यानी टुकड़े करके, गुणनखंड करके उसको सोल्व किया, तो हमारे पास आंसर आ गया 2। राइट, क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं हम डायरेक्टली। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, किसी एपी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 और योगपद 400 है, पदों की संख्या और सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। तो हमें पहले क्या क्या दिया हुआ है वो लिख लो, a इज इक्वल टू दिया हुआ है 5, ए एन अंतिम पद दे रखा है 45, और क्या दिया हुआ है, पदों का योगफल, यानी एस एन इज इक्वल टू 400। क्या क्या फाइंड करना है, पदों की संख्या यानी n और n एंड d दोनों फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें जो दिया हुआ है उससे फैक्टर निकाल लेते हैं, एस एन दिया हुआ है, n दिया हुआ है, a दिया हुआ है, हम n की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखना एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, n बाय टू ए प्लस ए एन फॉर्मूला होता है, हमें एस एन दे रखा है, ए दे रखा है, एन दे रखा है, यहाँ से एन की वैल्यू निकाल सकते हैं, निकाल लेते हैं एस एन, एस एन की वैल्यू कितनी 400 इज इक्वल टू एन बाई टू, ए की वैल्यू 5 प्लस 45, 2 से मल्टीप्लाई बाई 800, एन 50, तो 800 डिवाइड बाई 50 आ जाएगा, एन इज इक्वल टू 0 से 0, ये कितने टाइम कट गया, 1 और 3 बचा 6 टाइम, n इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया 16। जब n इज इक्वल टू 16 तो d की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, a n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इनटू d के फॉर्मूले से, n की वैल्यू हमें 45 दी हुई है, a की वैल्यू हमें 5 दी हुई है, प्लस n की वैल्यू हमने अभी जस्ट निकाली है 16 माइनस 1, d की वैल्यू हमें फाइंड करना है, तो 45 ये 5 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस के 5 15 d कितना बचा 40 15 d 40 बाई 15 यानी d की वैल्यू कितनी आ गई 3 बार कटा और 8 टाइम 8 बाई 3। यदि हमें आगे सॉल्व करना है फ्रैक्शन में लिखना है तो कैसे लिख देंगे 2 बाई 3 डी की वैल्यू हमारे पास दोनों की वैल्यू आ गई राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 काफी इजी क्वेश्चन था हमने बस पहले क्या लगा दिया ये भी फॉर्मूला होता है हमने पिछली वीडियो में बताया था आपको दो तरह के फॉर्मूले होते हैं एक तो n बाय टू टू ए प्लस n माइनस वन इंटू डी भी होता है ठीक है तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं काफी इजी क्वेश्चन था 6 क्वेश्चन लेते हैं 5 लिया था हमने क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है प्रथम और अंतिम पद यदि सार्व अंतर 9 है इसमें कितने पद है और इसका योगफल ज्ञात कीजिए ठीक है तो सबसे पहले a की वैल्यू हमें दी हुई है प्रथम और an की और d की वैल्यू हमें तीनों की वैल्यू दी हुई है निकाल लेते हैं sn निकालना है और कितने पद है वो दोनों निकालना है तो हमें सबसे पहले a की वैल्यू कितनी दी हुई है 17 और अंतिम पद 350 और d की वैल्यू 7 d की वैल्यू 9 देखना पहले ए एन वाला फॉर्मूला लगाते हैं वहां से एन की वैल्यू निकाल लेते हैं प्लस एन माइनस वन इंटू डी एन की वैल्यू दे रखी 350 ए की वैल्यू 17 एन की वैल्यू हमें फाइंड करनी है डी की वैल्यू 9 क्या हो जाएगा 350 17 इधर आएगा तो माइनस का 17 हो जाएगा एन माइनस वन इंटू 9
इसमें से जब इसको घटाएंगे 333 डिवाइड बाय 9 एन माइनस 1 राइट। जब वन इसको कट कर लेते हैं 3 times 111 ट्रिपल वन क्या कट रहा है 3 से, हाँ 3 times 3 = 9 9 2 बचता है 7 बार एन माइनस 1। जब माइनस 1 इधर आएगा तो 37 + 1 इज इक्वल टू एन, यानी एन की वैल्यू कितनी 38। एस एन फाइंड कर लेते हैं, एस एन इज इक्वल टू एन बाय 2 डिवाइड ब्रैकेट 2 ए प्लस, डायरेक्ट में लगा दो ए प्लस ए एन, क्योंकि हमारे पास ए एन है और ए की वैल्यू है और एन की वैल्यू ऐसे निकाल सकते हैं। सॉरी 38 इज इक्वल टू 38 बाय 2 ब्रैकेट में 517 प्लस ए एन की वैल्यू 350 19 2 से 19 टाइम कटा 367 मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 367 19 से तो 6 60 का 33 7 6 3 3 7 9 6 क्या आंसर आ गया 6 9 7 3। फैक्टर सम कितना आएगा बेटा, एस एन एस 38 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 6 9 7 3। ये एस एन की वैल्यू निकाल ली और ये एन की वैल्यू, ये दोनों ही पूछा हुआ था हमने उससे। देखना नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर सेवन हमारे से क्या कह रहा है देखते हैं क्या क्या उसमें दिया हुआ है। हम सबसे पहले पता होना चाहिए कि क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर सेवन है, उस एपी के प्रथम 22 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसके जिसमें d इज इक्वल टू 7 और 22वां पद 49। देखना n इज इक्वल टू 22 के पदों तक ज्ञात करना है का योग ज्ञात करना है। d इज इक्वल टू दिया हुआ है 7 और हमें दिया हुआ है a22 = 149 राइट। तो हमें यह भी पता है तो a की वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं, a n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। a n की वैल्यू हमें दी हुई है a 22 लिख देता हूं मैं, a प्लस n की वैल्यू 22 1 d की वैल्यू 7। a 22 की वैल्यू 149 इज इक्वल टू a प्लस 21 मल्टीप्लाई बाय 7, ये इधर आएगा 149 माइनस के इससे जब मल्टीप्लाई होगा 147 a की वैल्यू में कितनी आ जाएगी 2। अब a की वैल्यू 2 है, sn का फार्मूला लगा सकते हैं, s 21 का लगाना डायरेक्ट फार्मूला, n बाय 2 सॉरी n का लगा लेते हैं पहले फिर उसके बाद में वैल्यू रख देंगे 2a प्लस यदि a प्लस an वाला फार्मूला लगा देता हूं sn s 22 निकालना है, n की वैल्यू 22 बाय 2 a की वैल्यू हमें निकाली 2 प्लस a 22 की वैल्यू 149 11 मल्टीप्लाई बाय जब इससे ऐड होगा 151 11 को एक से करेंगे 1 55 56 का 6 5 11 और 5 16 कितना आ जाएगा 1661 योगफल आ जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 था हमारे पास में ये, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। काफी इजी क्वेश्चन था, बस हमें ये पता होना चाहिए कि क्या दिया हुआ है और क्या ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है उन एपी के प्रथम 51 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसका दूसरा और तीसरा पद क्रमशः 14 और 18 है। देखना इसका दूसरा पद जैसे A1 A2 A3 कोई एपी है तो इसका दूसरा पद 14 और इसका 18 है राइट। इसका पता नहीं है, इसके पता नहीं है ठीक है। इसका दूसरा और तीसरा पद दिया हुआ है हमारे, फिर उसके बाद क्या फाइंड क्या करना है 51 पद तो n इज इक्वल टू 51 क्या फाइंड करना है योग ज्ञात कीजिए दूसरा और तीसरा पद ये है हमारे पास। तो हमने क्या करा सबसे पहले मैं यदि मैं यहीं से देखूं इसको तो देखिए यदि मैं यहीं से देखूं डिफरेंस एपी कब हो सकता है जब डिफरेंस बराबर हो तो यहां से यहां का डिफरेंस कितना आ रहा है 4 यदि ये 4 है ये इंक्रीज हो रहा है तो मैं इसको डिक्रीज कर दूं माइनस के 4 तो इधर कितना आ जाएगा फर्स्ट a इज इक्वल टू कितना आ गया 10। ये पता चला मैं d कैसे है डिफरेंस है a3 माइनस a2 डिफरेंस तो सभी जगह इक्वल होता है एपी में
यदि मैं आगे की बात करूं तो 22 आएगा, इंक्रीज हो रहा है प्लस, तो इधर तो माइनस हो जाएगा। जब बेक आएंगे तो ए की वैल्यू 10 है, डी की वैल्यू हमें पता चल गई 4, एन की वैल्यू हमें दी हुई है। एन पदों का योगफल पूछा है, डायरेक्टली निकाल लो, एस एन इज इक्वल टू एन बाय टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी। एन की वैल्यू हमारे पास में 51, इधर एस 51 डिवाइड बाय टू, टू इन टू 10 प्लस एन माइनस वन एन 51 माइनस वन इज इक्वल टू डी की वैल्यू 4। 51 बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 20 प्लस 50 इंटू 4, 51 बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 220 110 0 इक्यावन का एक असल के 5 56 56 दस आंसर आ गया हमारे पास में। ये 110 बाय 2 से डिवाइड हुआ और हमारे पास आंसर कितना है 5610 आंसर 5610। यही पूछा था इसमें, हमें ये पता होना चाहिए बस, सीक्वेंस आपको आती है, डिफरेंस पता है कि भाई 14 और 13 दिया हुआ है, 33rd इसको ए प्लस डी भी कहते हैं और इसको ए प्लस टू डी भी कहते हैं, राइट। तो हमने डी की वैल्यू निकाल ली, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा था 4, भाई 4 इंक्रीज हो रहा है तो इधर डिक्रीज हो जाएगा, पहले लेके आएंगे तो जब इधर पॉजिटिव चल रहा था इधर नेगेटिव, जब इधर नेगेटिव चल रहे थे इधर पॉजिटिव, हमने बताया था ये वाली फर्स्ट वाली वीडियो में। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 काफी इजी था, क्वेश्चन नंबर 9 हमें दिया हुआ है यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योगफल, प्रथम 7 पदों का योगफल, देखना समझना, प्रथम 7 पदों का योगफल 49 यानी S7, ठीक है, और प्रथम 17 पदों का योगफल, प्रथम 17 पदों का योगफल 1489 है, तो इनके प्रथम n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। देख लेते हैं, हमें दिया हुआ है इसके अकॉर्डिंग, यदि मैं फॉर्मूला लिखूं Sn का, Sn इज इक्वल टू n बाय 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही होता है, इसी को मैं पुट कर रहा हूं, वी नो दैट, यानी हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, देख लो आप ये फॉर्मूला जानते थे, एस एन सेवन की एन की वैल्यू इसके अकॉर्डिंग क्या है 7 और इसके अकॉर्डिंग क्या है 70, रख लो मान पुट कर दो, तो एस के लिए इस वाली के लिए रख लो, एस एन की वैल्यू तो हमें दी हुई है 49, 7 बाय 2, 2a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी, तो 49 इज इक्वल टू 7 बाय 2, 2a प्लस 6d, ये 7 से 49 7 टाइम, 2 इससे मल्टीप्लाई होगा 14 इज इक्वल टू 2a प्लस 6d, इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड से देख लेते हैं, 289 इज इक्वल टू n की वैल्यू 17 बाय 2 ब्रैकेट में 2a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी, वही फॉर्मूला लगाए 17 से ये कितनी बार 17 टाइम, 2 से 17 मल्टीप्लाई होगा बट डिवाइड में किस में आएगा मल्टीप्लाई में आएगा 17, 2a प्लस 16 डी इन इक्वेशन नंबर सेकंड। इसमें 2a 2a वैल्यू सेम दिख रही है हमें इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में, तो वही विलोपन विधि से कर देते हैं, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड, देख लेते हैं 14 34 इज इक्वल टू 2a प्लस के 6d प्लस के 16d, माइनस करेंगे सब माइनस हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो गया, क्या बचा माइनस के 10d इज इक्वल टू, इधर देखते हैं माइनस के 20, क्योंकि माइनस की संख्या बढ़ी है, तो देखना माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, डी इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, डी इज इक्वल टू 2, जब डी इज इक्वल टू 2 है तो बाय इक्वेशन नंबर फर्स्ट समीकरण 1 से देख लेते हैं a इज इक्वल टू क्या आता है, समीकरण 1 का है हमारे पास में ये रही, तो 14 इज इक्वल टू 2a प्लस के 6 इंटू 2, 12 इधर आएगा तो 14 माइनस 12 इज इक्वल टू 2a, 2 इज इक्वल टू 2a, 2 से 2 कट गया, a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1, हमारे पास में a इज इक्वल टू 1 आ गया, तो हमें कितना पूछा है Sn, n पदों के लिए पूछा, तो n की वैल्यू क्या है n है n बाय 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू
डी, जिसकी वैल्यू है एन इज इक्वल टू, एन इज इक्वल टू एन ही रखना है हमें, राइट, एन बाय टू, टू इंटू वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, टू, देखना एन बाय टू, टू प्लस टू एन माइनस के टू, ऐसे एन बाय टू, टू से टू अंदर कैंसिल हो गया क्या, बस गया टू एन, एन टू से टू कैंसिल हो गया, बाहर आते हैं भी डिवाइड में टू था, टू से टू कैंसिल हो गया, बच गया एन स्क्वायर। यदि यानी हमें से यदि कोई पूछे एन पदों के लिए कितना हो गया फैक्टर, तो कितना होगा एन स्क्वायर, डायरेक्टली निकाल सकते हैं हम इसका। सबसे पहले हमने क्या निकाला, डी और ए की वैल्यू फाइंड की, उसके बाद में एस एन की वैल्यू निकाली, ठीक है, क्वेश्चन में यही पूछा था। तो एस एन इज इक्वल टू एन पर कितना आ जाएगा, एन स्क्वायर, एस एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर आ जाएगा, इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर टेन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर टेन दिया हुआ है, दर्शाइए ए वन, ए वन ए टू डेटेडस ए एन, ए पी है या नहीं ये बताना है, फिर इसमें दिया हुआ है यदि ए पी होता है तो प्रथम 15 पदों का योग, यानी एस 15 का वैल्यू भी फाइंड करना है। फर्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो दिया हुआ है ए एन इज इक्वल टू 3 प्लस 4 एन, एंड सेकंड इसी का क्वेश्चन दिया हुआ है ए एन इज इक्वल टू 9 माइनस के 5 एन, ठीक है, ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है। एन इज इक्वल टू 1 पर देख लेते हैं, ए पी के अकॉर्डिंग 1 इज इक्वल टू 3 प्लस 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 7, 2 पर देख लेते हैं, एन इज इक्वल टू 2 पर 3 प्लस 4 इंटू 2, 3 प्लस 8 इज इक्वल टू 11, ए 3 भी निकाल कर देख लेते हैं, ए 3 पर यदि डिफरेंस बराबर आता है 3 प्लस 4 इंटू 3 12, 12 और 3 15, डिफरेंस देखिए प्लस 4 हो रहा है, इसमें भी प्लस 4 हो रहा है, इसका मतलब ए की वैल्यू हमारे पास में कितनी है 7 और डी की वैल्यू 4, एस एन की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एस 15 निकालना है, एस 15 के लिए देखना 15 बाई 2, 2 इंटू ए की वैल्यू 7 ये दी हुई है और डी की वैल्यू ये रही, प्लस एन 15 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 4, 15 बाई 2, 14 प्लस 14 मल्टीप्लाई बाय 4, 15 बाई 2, 14 प्लस 56, देखना इसको यहाँ सोल्व करता हूँ, एस 15 इज इक्वल टू 15 बाई 2 मल्टीप्लाई बाय 70, 35, 75 के 5, हासिल के 7, 45 और 7 52, कितना आंसर आया 525। सेम एज इट इज इसके लिए देखते हैं, n इज इक्वल टू 1 पर ए 1 इज इक्वल टू 9 माइनस 5 इंटू 1 इज इक्वल टू 4, ए 2 पर देख लेते हैं, n इज इक्वल टू 2 पर 9 माइनस 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 9 माइनस के 10 इज इक्वल टू माइनस के 1, n इज इक्वल टू 3 पर भी देख लेते हैं, एन 3 इज इक्वल टू 9 माइनस के 5 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 9 माइनस के 15 इज इक्वल टू 9 3, 15 माइनस के 6 आएगा, देखना माइनस 5 हो तो जा रहा है माइनस के 5, तो ए की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास 4 और डी की वैल्यू माइनस के 5, एस एन फॉर्मूला ये लिखा हुआ है, डायरेक्टली मैं पुट कर रहा हूँ इसमें वैल्यू 15, एन की जगह 15 बाय 2, ए की जगह 4 प्लस एन माइनस वन यानी 15 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू माइनस के 5, 15 बाई 2 एट माइनस हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 14 मल्टीप्लाई बाय 5, 15 बाई 2 मल्टीप्लाई बाय 8 से 8 माइनस के 70 यानी 70, 15 बटे 2 कितना होगा माइनस के 62, 31 टाइम कटेगा माइनस के 31, जब माइनस के 31 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एस 15 की वैल्यू आ जाएगी, एस 15 इज इक्वल टू 15 के 15 1 45 और 1 46 माइनस के 40 65, राइट। इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट कर लिए हैं, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, ओके। ये इजीली
हम इसको समझ सकते हैं। इन क्वेश्चनों को आप यदि करते हैं तो आगे की कर भी सकते हैं। ओके ठीक है।